करवा चौथ पर काजोल के देवर कटरीना के देवर The weekend is here. Good evening, namaste and welcome. मैं हूं तिशे और मैं हूं आराधना and you are watching another मजेदार episode of Planet Bollywood. एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन. आराधना आज पता है तुम्हें Planet Bollywood पर मैं हमारे व्यूअर्स के लिए लेकर आया हूं काजोल के तेवर और कटरीना के देवर की स्पेशल न्यूज. ये क्या हो रहा है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? तिशे मैं तुम्हें कैसे इग्नोर कर सकती हूँ? I was just checking an important message. और वैसे भी मैं और तुम कंगना और रितिक थोड़ी ना है जो एक दूसरे को इग्नोर करें. Wait. कंगना और रितिक एक दूसरे को मतलब कब कहाँ कैसे? सब पता चल जाएगा हमारी टॉप स्टोरी में. एक मिनट. अब जब तुमने मुझे रितिक के साथ कंपेयर कर ही दिया है तो एक बार बोल दो ना. क्या? जिसे सुनने के लिए मेरे कान कब से सालों से तरस रहे हैं. कहो ना प्यार है. तुम्हें नहीं लगता व्यूवर्स को फिल्मी न्यूज देते देते तुम ज्यादा ही फिल्मी हो रहे हो तिशे? चुपचाप से स्टोरी देखो. एक बार कहो ना प्लीज. कहो ना प्लीज यार प्लीज प्लीज. मैं हो गया. कहो ना प्यार है. फिनिश. कंगना ऋतिक के बीच दूरी सबको नजर आई साफ साफ. एक इवेंट पर कुछ कदमों की दूरी के बावजूद इन दोनों स्टार्स ने एक दूसरे को किया कंप्लीटली इग्नोर. जरा इस विजुअल को ध्यान से देखिए. ऋतिक इस पार्टी में नीता अंबानी के साथ कंफर्टेबली पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे, लेकिन जैसे ही कंगना यहां पहुंची ऋतिक हो गए अनकंफर्टेबल. ऋतिक के हाथों को जरा ध्यान से देखिए, कैसे कंगना के आते ही उनके हाथ हो गए नीचे. अब जरा कंगना की तरफ अपनी नजर घुमाइए, कैसे कंगना इस पार्टी में एंटर होने के बाद सबसे कॉर्डली मिल रही हैं. यहाँ तक कि कंगना जैसे ही ऋतिक रोशन के पास पहुँची उन्होंने ऋतिक के पास खड़ी नीता अंबानी को हग किया, पर ऋतिक को कंगना ने सबके सामने पूरी तरह से कर दिया नजरअंदाज. वैसे इस इवेंट पर मौजूद लोगों को लगा शायद मीडिया फोटो ऑप्स के बाद ये दोनों स्टार्स एक दूसरे से बात करें, लेकिन सबकी एक्सपेक्टेशन से अलग ये दोनों ही स्टार्स ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ गए. वेल, इन विजुअल्स को देखकर अब साफ हो जाता है ऋतिक और कंगना ने एक दूसरे को भुला दिया है, और इन विजुअल्स ने लंबे समय से चल रही रूमर को सच साबित कर दिया है. For Prerna Srivastava, Zoom, Mumbai. अरे अरे, लगता है आजकल बीटाउन सेलेब्स में एक दूसरे को इग्नोर करने का फैशन चल पड़ा है. क्यों, अब क्या हुआ? किस स्टार ने किसको इग्नोर कर दिया? Well, you'll be surprised to know, जब तुम्हें पता चलेगा जो न्यूज़ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ. तुम कितना फुटेज खाते हो, जल्दी बताओ ना किस स्टार ने किसको कब और क्यों इग्नोर किया. ओके, तो सुनो, आलिया और सिद्धार्थ एक इवेंट पर एक दूसरे के करीब लेकिन फिर हुए एक दूसरे से दूर. कितना फिल्मी हो तुम, क्या दूर पास क्या बोल रहे हो. ओके बाबा वेट, ये देखो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, बस प्लीज मुझे इग्नोर मत करना कभी भी. एक साथ एक दूसरे के इतने पास, एक दूसरे के इतने पास होते हुए भी आलिया और सिद्धार्थ रहे एक दूसरे से दूर. आलिया और सिद्धार्थ को स्पॉट किया मामी फिल्म फेस्टिवल के दौरान, जहां आलिया और सिद्धार्थ पूरे वक्त दिखे एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर भी इनके बीच खड़ी रही खामोशी की दीवार. न सिद्धार्थ ने आलिया से कोई बात की और न ही आलिया ने ही सिद्धार्थ से कुछ कहा. मीडिया में आलिया और सिद्धार्थ की प्रेम कहानी की खबरें आए दिन आती रहती हैं, लेकिन अब तक इन स्टार्स ने खुलकर अपने रिश्ते पर कभी कुछ नहीं कहा. पर इस बार लगता है कि आलिया और सिद्धार्थ को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब की बार इनकी खामोशी ही काफी कुछ बयां कर गई.
अब देखिए ना, जहां इस इवेंट पर सब स्टार्स एक दूसरे से मिल रहे थे, वहीं आलिया और सिद्धार्थ एक दूसरे के साथ होते हुए भी ऐसे दिख रहे थे मानो उन्होंने पहले से ही डिसाइड किया हो कि वो मीडिया के सामने एक दूसरे के बीच कायम रखेंगे दूरी। और इन दोनों स्टार्स ने एक दूसरे से दूरी बनाने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन इनकी ये कोशिश नाकाम ही रह गई, क्योंकि इस बार तो इनकी खामोशी ने ही काफी कुछ क्लियर कर दिया। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम मुंबई। तिशे, शो की स्टार्टिंग में तुम क्या बता रहे थे, काजोल के तेवर और कटरीना के देवर, व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट? वाओ आराधना, तुम्हें भी आजकल मेरी बातें याद रहने लगी। आई मीन, देखो मैंने बोला था ना, तुम्हें भी कुछ होने लगा है, यू नो आई वाज। वेट, क्या बकवास कर रहे हो तुम, क्या होने लगा है मुझे? अरे जस्ट चिल यार, मैं तो न्यूज़ जानने की क्यूरियोसिटी के बारे में बात कर रहा था, तुमने क्या सोचा? अच्छा ठीक है, बातें मत बताओ, स्टोरी बताओ मुझे। काजोल के तेवर की न्यूज़ जानने के लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तब तक मैं तुम्हें कटरीना के देवर के बारे में जरूर बताऊंगा। तो तिशे जी, कैन यू प्लीज टेल मी द स्टोरी या मैं तुम्हें बताऊं? ओके बाबा, तुम्हारे अंदर तो सही में काजोल की आत्मा घुस रही है मुझे लग रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कटरीना के देवर के बारे में, और जरा आराधना जी को समझा लूं। नहीं समझा पाओगे आप, मना लूं। रणबीर कपूर की गैर मौजूदगी में कटरीना कैफ को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके एक देवर बन गए हैं बॉडीगार्ड। कटरीना के ये देवर हैं उनके काफी करीबी। कैट आजकल जहाँ जाती हैं, वहाँ उनके ये देवर हमेशा उनके साथ बॉडीगार्ड की तरह रहते हैं मौजूद। वेल, एनी गेसेस, करीना के वो प्यारे देवर आखिर हैं कौन? अब आप इन विजुअल्स को देखकर कोई रैंडम और नॉटी गेसेस करें, इससे पहले हम आपको बता दें, वो और कोई नहीं रणबीर कपूर के सबसे अच्छे दोस्त अयान मुखर्जी हैं। वेलकम मामी फिल्म फेस्टिवल के दौरान कटरीना कैफ रणबीर कपूर के बिना पहुंची थी, ऐसे में उन्हें किसी की कंपनी तो चाहिए ही थी, फिर क्या था, एक अच्छे ब्रदर इन लॉ होने के नाते अयान मुखर्जी अपनी भाभी का साथ देने पहुँच गए। और अयान ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि कटरीना को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वेल, रणबीर पहले ही अयान मुखर्जी की तारीफ करते नहीं थकते, ऐसे में अब जब वो अयान को कटरीना के नए बॉडीगार्ड के अवतार में देखेंगे तो डेफिनेटली उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम मुंबई। तो उसे क्या कहोगी जो कटरीना और अभिषेक के साथ हुआ? अरे एडजस्ट तो आखिर में सब कर ही लेते हैं भाई, फिर वो चाहे कॉमन मैन हो या बॉलीवुड के सुपरस्टार्स। अब यही देख लीजिए ना कि कैसे हमारे इन दोनों बी टाउन सेलेब्स ने एडजस्ट किया और अपने इस ऑकवर्ड से ऊप्स मोमेंट को कवर अप किया। फॉर ऑल दोज हु आर वंडरिंग, हम अभिषेक बच्चन और कटरीना कैफ के ऊप्स मोमेंट की बात कर रहे हैं, जो रिसेंटली हमने देखा जब अभिषेक ने कटरीना को ग्रीट किया। दरअसल बॉलीवुड के कई शाइनिंग स्टार्स पहुंचे एक साथ मुंबई फिल्म फेस्टिवल के एक इवेंट पर, और लेट पहुंचे अभिषेक बच्चन सारे स्टार्स को ग्रीट करने में लग गए। अनिल कपूर, अयान मुखर्जी, आदित्य रॉय कपूर, आलिया, सिद्धार्थ एक एक करके फ्रंट सीट पर बैठे। सभी सेलेब्स का नंबर आया और जूनियर बच्चन ने सबको दे दी जादू की झप्पी। बट जैसे ही सिद्धार्थ मल्होत्रा के बगल वाली सीट पर बैठी कटरीना कैफ का नंबर आया तो अभिषेक थोड़ा हड़बड़ाए और थोड़ा हिचकिचाए, और यही कंफ्यूजन बन गया इन दोनों के लिए काफी ऑकवर्ड। सबको लाइन से एक वार्म हग देने के बाद जब कटरीना का नंबर आया तो अभिषेक ने हग की जगह अपना हाथ आगे कर दिया फॉर हैंडशेक, और जैसे कटरीना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो जूनियर बच्चन ने हैंडशेक की बजाय दे दिया कैट को एक ऑकवर्ड हग। Well,
सबसे इतने कंफर्टेबली मिलने के बाद अचानक जब कैट से मिलने की बारी आई तो अभिषेक इतने कॉन्शियस क्यों हो गए? वी वंडर इसके पीछे की वजह कई साल पुरानी इन दोनों की रूमर्ड कोल्ड वॉर तो नहीं, व्हेन कैटरीना वाज अपेरेंटली डेटिंग सलमान खान। खैर, वजह चाहे जो भी हो, अभिषेक और कैटरीना की ये रीसेंट ऊप्स टर्न्ड ऑकवर्ड मोमेंट थी काफी इंटरेस्टिंग, स्पेशली फॉर द पीपल पेइंग अटेंशन। फॉर हार्दिक तन्ना, जू मुंबई। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम तिशा? मैं तुम पर गुस्सा करती हूँ। तो और क्या यार, तुम्हारे गुस्से ने मुझे फिर से काजोल की याद दिला दी। अब अगर तुमने मुझे फिर से चिढ़ाया तो देख लेना तुम्हारा क्या होगा। मेरी सटक ली है, मुझे माफ कर दो यार लेडी सिंगम। वैसे भी तेवर दिखाने में एक काजोल ही काफी है। काजोल का तेवर, काजोल का आता माझी सटकली अवतार, और करवा चौथ पर सवाल पूछने पर काजोल का गुस्सा। आजकल काजोल जहाँ जहाँ जाती हैं, आता माझी सटकली कहते हुए ही नजर आती हैं। और यही हुआ है रिसेंटली जब काजोल को पूछा गया अबाउट हर करवा चौथ प्लान्स। अरे काजोल, आपने तो करवा चौथ के सवाल को ही स्ट्यूपिड कह दिया, जबकि बॉलीवुड में करवा चौथ का ट्रेंड सेट करने वाली आप ही तो हैं। फिर वो चाहे DDLJ का फेमस करवा चौथ सीन हो या K3G का इलैबोरेट करवा चौथ सेलिब्रेशन। चलिए मान लिया कि आपको करवा चौथ का सवाल स्ट्यूपिड लगा हो, बट आपने रिसेंटली जो किया उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वेल काजोल, दुर्गा पूजा जैसे सेलिब्रेशन के मौके पर आपका यूं मीडिया के सामने ऑब्सीन जेस्चर करना और करवा चौथ के क्वेश्चन को ही स्ट्यूपिड कह देना साफ इसी ओर इशारा करता है कि आजकल। हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई। काजोल का करवा चौथ के सवाल पर ऐसा गुस्सा, ओ माय गॉड, क्या बाकी हीरोइंस भी ऐसे ही करवा चौथ सेलिब्रेट करने वाली है? आराधना, वो मैं तुम्हें बताऊंगा लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन उसके पहले क्या तुम्हें पता है स्किन के लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है? अगर तुम्हें अपनी स्किन को वेल हाइड्रेटेड रखना है और ग्लो करवाना है तो स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल जियो, हेल्दी खाओ और सबसे इंपॉर्टेंट सफिशिएंट पानी पियो। ये बात तो है तिशे, पर तुम चिंता मत करो क्योंकि हमारे पास है एक्सपर्ट डर्माटोलॉजिस्ट जो बताएंगे कि स्किन को कैसे रखें ग्लोइंग और फिनोमिनल। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आराधना। मैं हूं तिशे। एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, योर वन स्टॉप शॉप फॉर बॉलीवुड्स बिगेस्ट गॉसिप। तिशे, ब्रेक से पहले तुम बॉलीवुड के हीरोइंस के करवा चौथ के सेलिब्रेशन के बारे में कुछ बता रहे थे ना, अब जल्दी से डिटेल्स दो, आई कांट वेट। आई नो आराधना, देखो बॉलीवुड के लिए करवा चौथ की काफी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हम लेकर आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए बॉलीवुड के करवा चौथ की फुल डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। चांद तो छुपा हुआ है लेकिन अब तो बॉलीवुड की सारी बीवियों को इंतजार है इस चांद के निकलने का। और बेसब्री से इंतजार हो रहा है चांद के दीदार का ताकि वो खोलें अपना व्रत। इस साल का बी टाउन की बीवियों और बॉलीवुड फिल्मों का सबसे चहीता फेस्टिवल आ गया है और वो है करवा चौथ। और हर साल की तरह इस साल भी जूम लेकर आया है आप तक डिटेल्स अबाउट हुज डूइंग व्हाट ऑन दिस डे। कुछ बीविया हैं टिंसल टाउन में हु आर ऑल सेट टू फास्ट। आज तो सलमान खान के घर पर भी होगा जश्न करवा चौथ का क्योंकि उनकी लाडली बहन अर्पिता खान शर्मा रखेंगी अपना पहला व्रत।
और पटौदी खानदान की बेटी सोहा भी हैं ऑल सेट टू सेलिब्रेट हर फर्स्ट व्रत। अब सोहा तो फास्ट करेंगी लेकिन करीना उनके साथ नहीं होंगी इस बार। साथ ही इस बार शानदार शाहिद की वाइफ मीरा राजपूत भी हैं ऑल सेट टू सेलिब्रेट। एंड जस्ट व्हेन यू थिंक दैट वाइव्स फास्टिंग फॉर देयर हस्बैंड्स इज टू मेनस्ट्रीम, हियर्स रितेश देशमुख जो कि प्लान कर रहे हैं कुछ उल्टा दैन द यूजुअल। करवा चौथ आई एम फास्टिंग। रियली? यस या। विद छन्नी। एंड आई विल कम एंड लुक एट जिनीलियस फेस। अब जरा ठहर जाइए, इससे पहले कि आप सोचें कि सारी एक्ट्रेसेस ने रखा होगा व्रत अपने हस्बैंड्स के लिए, तो आप गलत हैं, क्योंकि कुछ एक्ट्रेसेस इस कॉन्सेप्ट में यकीन ही नहीं करती हैं। Certainly not. I don't celebrate करवा चौथ. I think if anything, I like to celebrate having such a wonderful partner in my life by eating with him, by having good meals with him. So on करवा चौथ, I hope Amir and I will be able to eat a really great meal together. I don't believe in that festival. I'm not married, so how can I believe in Karwa Chauth? अगर कोई special one life में आएगा, मेरे ख्याल से वो और मैं दोनों ही भूखे रहेंगे फिर, क्योंकि मैं तो अकेली भूखी रहने वाली हूँ नहीं। Well, इन सब stars का तो है अपना अपना concept. But all in all, we at Zoom wish you all a very happy Karwa Chauth. Aradhana, I am amused to see Alia's reaction on Karwa Chauth. Yaar, mujhe nahi malum tha ki Alia bhi Karwa Chauth mein believe karti hai. She is so damn cute, but I think nowadays she's a little disappointed. Disappointed? But why? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें सब खबरें मालूम होती हैं, कुछ न्यूज़ हमारे पास भी होती है। Wow, Aradhana, wow, मान गए यार, you are brilliant, mind blowing, super. पर अभी तो बता दो यार, क्यों है मेरी आलिया disappointed? देखो Alia. story देखो तुम्हारी आलिया के बारे में। आलिया है डिसअपॉइंटेड और उनके डिसअपॉइंटमेंट की वजह है बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्म का फैलाया हुआ रायता। आलिया और शाहिद की फिल्म शानदार यूं तो सिल्वर स्क्रीन पर बहुत शान से रिलीज हुई थी, लेकिन जितनी शान से ये फिल्म आई उतने ही शानदार तरह से बॉक्स ऑफिस पर हो गई फ्लॉप और बन गई आलिया के करियर की पहली फ्लॉप फिल्म। ऑफ कोर्स खुशी तो नहीं होती है, ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटमेंट होती है, बट इट्स ओके, इट्स द फर्स्ट फॉर मी। वेल, जाहिर है फिल्म फ्लॉप होगी तो डिसअपॉइंटमेंट तो होगी ही, लेकिन वो कहते हैं ना, जो इंसान अपनी गलतियों से सबक ले वही कहलाता है समझदार। और अब आलिया ने भी अपनी समझदारी का सबूत देते हुए शानदार के बॉक्स ऑफिस डिबैकल को भुला कर आगे बढ़ने का फैसला किया है। ऑफ कोर्स खुशी तो नहीं होती है, ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटमेंट होती है, बट इट्स ओके, इट्स द फर्स्ट फॉर मी। Well, आलिया, ऐसे में हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपकी आगे आने वाली फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर पाए, ताकि इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट आपको दोबारा ना हो। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम मुंबई। और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी राउटेला ने जीता है मिस डीवा 2015 का टाइटल। एंड आफ्टर विनिंग द टाइटल, उर्वशी ने जूम से की एक्सक्लूसिवली बात। जी, मिस डीवा का सफर जो है बहुत ही अच्छा रहा, और इनफैक्ट कई मायने में देखा जाए तो रिजल्ट मैटर नहीं करता, जर्नी मैटर्स मी द मोस्ट। वही उर्वशी ने शेयर किया उनका एक्सपीरियंस ऑन गेटिंग जज्ड बाय कंगना रनौत एंड इरफान खान। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग माय रैंप वॉक, लाइक द
the last one in evening gown, I remember watching Irfan and he was smiling all throughout. So I felt that sort of that, you know, he was really enjoying all the girls walking down the ramp and everything. And I also remember after crowning, I met Kangna and she was so happy. Urvashi, hum ummeed karte hain ki aap isi tarah se tarakki karti rahein. Tushay, I need a... Wait, Aradhana, aaj tumhara Karwa Chauth ka vrat hai, tum kuch kha nahi sakti, pee nahi sakti, then what do you need? Achha. तुम्हें किसने बोला कि मैं कुछ खा नहीं सकती पी नहीं सकती? Oh, that. नहीं, मुझे लगा तुम फेंट होने वाली हो और तुमने चांद नहीं देखा इसलिए मुझे तुम इतना स्वीट मत बनो, मैं सब कुछ खाने वाली हूँ. Sure. Definitely. Can we wrap up the show? Surely. 100%. 100%. Okay, guys. So on that note, it's a wrap on the show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show with more masti, more entertainment, more gossip at 7. And for your first dose of fresh beat on updates, tune into Planet Bollywood at 1 only on Zoom. Turn on. We'll be right back.